हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड आज आ रहा है पानी, और आवाज आ रही थी, इस वजह से मैंने टोटी बंद कर ली, क्योंकि वॉइस मेरी फिर अच्छे से नहीं आ पाती इस वजह से। और फ्रेंड बहुत सारे कपड़े धो रही हूँ आज, कम्बल वगैरह जो भी सर्दियों के कपड़े हैं वो, तो छोटे मोटे कपड़े तो पहले ही रख दिए थे बेड में, और बाकी के जो कपड़े हैं कम्बल और हल्की कूल्टिंग वगैरह जो है वो सारे कम्बल बिछाने वाले कम्बल सारे आज धो के और सुखा के बेड में भी रखने की तैयारी करेंगे। तो पहले तो फ्रेंड मैं धो लूँ कपड़े, देख सकते हैं कितने सारे कपड़े ही सामने धोने, कम्बल वगैरह जो मैंने धो दिए हैं बस पानी से इनको निकालना है। तो चलते हैं, आपको एक बार कैमरा बैक करके दिखाती हूँ कि कितने सारे कपड़े गुड़िया गुड्डे सब धोने में लगी पड़ी है आज मैं। और आंटी ने हमें ये ड्रम दिया है, देख सकते हैं, ये भी भर के रख लूँगी, क्योंकि फ्रेंड दो बार यहाँ का बोर ख़राब हो गया और लगभग 22-23 दिन पे पानी आ रहा है। तो आपको कैमरा बैक करके दिखाती हूँ कि काम कैसे फैला पड़ा हुआ। झाड़ू वाड़ू तो लगा लाई हूँ मैं, अंदर की पूरी सफाई हो गई, खाली पोछा लगाना है, बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दिए। तो चलते हैं, एक बार करते हैं कैमरा बैक। तो देखिए ये गुड्डे वगैरह जो है मैंने धोने के लिए ये बेड पे जो लगाती हूँ ना सारे, इसको भिगो के रखे हुए हैं, इनको मसल दूंगी। गर्म पानी इसमें रखा हुआ है तो इससे मल मल के, अभी तो सारा पहले पानी में रख रखा है, इसको मल मल के और सारे पानी से निकाल के डाल दूंगी। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये कपड़े कुछ हैं जो मैंने धोए हैं, पानी से निकाल दिए हैं। और ये कम्बल वगैरह है जो देख सकते, एक कम्बल, दो कम्बल, तीन चार कम्बल है, और बाकी का ये टब में से हमें निकालने हैं। तो चलते हैं, कार्तिक भी खड़ा हुआ है, नहाने की तैयारी कर रहा है। अभी तक इसकी क्लास चल रही थी ना कार्तिक, अब क्लास ख़त्म हुई है। तो फ्रेंड सोच रही हूँ कुछ आज मैं बालों में मेहंदी वगैरह या कुछ अप्लाई करती हूँ बालों में अच्छे से। तो चलते हैं, ये हमारे अर्जुन महाराज आ गए। हाय बोलो, कैसे हो? ठीक हो? मैं तो बोल रही हूँ गाइस से पूछो कैसे हो। ठीक हो? तो चलते हैं गाइस, ये सारे कपड़े जो है अपने अच्छे से पानी से निकाल लेते हैं और इनको धो धा के अच्छे से रेलिंग पे टांग देते हैं, कुछ पानी निचूट जाए उसके बाद हम छत पे लेके जाएंगे, नहीं तो ऐसे तो बहुत भारी हो जाएगा। धूप भी बहुत अच्छी खासी हो रखी है, देख सकते हैं। तो चलते हैं, इन कम्बलों को जो है निकाल लेते हैं और उसके बाद मिलेंगे। मुझे सर में भी कुछ अप्लाई करना है और सोच रही हूँ साथ में सर धो दूँगी। फ्रेंड ना आया तो सुबह का, पर फिर भी जब सर में अप्लाई करूँगी तो साथ के साथ नहाना ही पड़ेगा। तो चलते हैं, इन कामों से फ्री होके मिलते हैं आपसे। तो अब गई हूँ मैं अपने घर के कामों से फ्री, और अभी भी मैंने जो है सर में जो है ये लपेट रखा है, क्योंकि आज मैंने लगा ली थी फिर से मेहंदी और एलोवेरा जेल। जो मेहंदी तो थोड़ी सी बची थी उसमें एलोवेरा जेल अपने बालों में अप्लाई कर लिया, और फिर लग गई अपने घर के कामों में। फिर रेनू आई
और फिर बैठ के खाना वाना खाया। और उसके बाद में फ्रेंड मैंने उससे बोला कि अब लगा दे ये सब मेहंदी वेहंदी जो भी एलोवेरा वगैरह वो लगवाया। और अब भी अभी आधे घंटे पहले मैंने सर धोया है, तो अब बाल सूख जाएंगे, उसके बाद में कंघी करूँगी। तो अब चलते हैं, आज तो बहुत काम किया घर में बहुत ही, क्योंकि पानी आ रहा था और ना जो मोटे कपड़े थे ना ऊनी कपड़े कम्बल वगैरह बड़े बड़े वो सब नहीं धोए थे, तो आज उन कामों से भी फ्री हो गई। और देख सकते हैं ये कपड़े हैं, ये रजाई है जो हल्की रजाई, और ये कम्बल ये धोया, और इसके बावजूद भी दो तीन कम्बल थे। ये दरी देख सकते हैं आप लोग, ये दरी धोई, नीचे एक दरी बिछाती हूँ वो धोई, बेडशीट धोई, तकिया के कुशन, और ये जितने टेडी बियर दिख रहे हैं ना आपको, जितने टेडी बियर इसके ऊपर दिख रहे हैं पूरे के पूरे, तो घर में आज इतना सारा काम था। तो अब चलते हैं दोस्तों, इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करने की कोशिश करते हैं, अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, इस ब्लॉग को अभी एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट।